Shiva. कोटि सम प्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा माता जति पार्वती पिता महादेव दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी जय गणेश जय जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा। मेरे दोस्तों वाले मोबाइल दे दो ना, मुझे शिव जी की आरती चाहिए। अभी जा रही हूँ, थोड़ा चाय वगैरह पी लेती हूँ, खा लेती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद मुझे लंच बनाना है और फास्ट है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज बनाऊँ क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे, यहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ, हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी हम शाम को सेलिब्रेट करेंगे। मैंने हेयर वॉश वगैरह किया है, आज मेरा फास्ट है, सो पूजा वगैरह भी हो गया है, मैंने थोड़ा मंचिंग भी कर लिया और अभी फास्टिंग का कुछ बनाऊंगी। और आज हस्बैंड का हॉलीडे है, मतलब उन्होंने छुट्टी ली हुई है, सो फिर अभी फास्टिंग का जो बनाऊंगी वही वो भी खाएंगे और शाम को कुछ स्पेशल बनाऊंगी। बस बहुत टाइम हो गया है मुझे रक्षाबंधन सेलिब्रेट किए, अभी तो यहाँ से 3 साल से तो यहीं पे हूँ, तो फिर कुछ भी नहीं। और मेरे हस्बैंड को भी जब से यहाँ आए हैं तब से वो सेलिब्रेट नहीं किए, मतलब 3 इयर्स हो गया है, ये 3रा साल है। गिफ्ट तो हमने दोनों मेरी सिस्टर इन लॉ को भेज दिया है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, पहले ही कर दिया था लास्ट वीक ही। ये बोले पूछ रहे थे क्या दूँ, मैंने बोला कि पैसे ज़्यादा बेटर पड़ेंगे क्योंकि वहाँ रहो तो फिज़िकली जाके बाय करो देन ठीक है, यहाँ से ऑनलाइन कुछ नहीं समझ रहा था। तो हमने दोनों को पैसे ही ट्रांसफ़र कर दिए, वो भी पहले ही कर दिए ताकि जाके वो लोग कुछ बाय कर लें। और मेरी मम्मी ने मेरे लिए साड़ी भेजा है, मतलब लेके रखा हुआ है, मतलब मेरे भाई के तरफ से। और मेरा भाई, उसको मैंने बोला है कि पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर देना क्योंकि अभी वो अर्निंग कर रहा है, सो फिर देखो अभी कब तक वो मुझे भेजता है। बोला तो है मैंने, आज सुबह ही बात किया। सो उसका स्पेशल लड्डू है, उसको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, तो मैंने उससे मतलब बोला जाके ले लेना और 1 kg लेना ताकि हफ्ते भर खाना और मुझे याद करना और मेरा रक्षाबंधन का गिफ्ट मुझे भेज देना ऑनलाइन। बोला करता हूँ। सो एक साड़ी और देखते हैं कितना कैश देता है। अभी तो उसने अपना अर्निंग स्टार्ट किया है, वो डॉक्टर है, सो अभी उसने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया हुआ है। देती हूँ आपको 2 मिनट, दो देती हूँ। सो लेट्स सी देखो क्या भेजता है। हाँ बस यही है रक्षाबंधन। अभी शाम को रियांश को मैं राखी बांध दूँगी उसकी बहनों के तरफ से और उसकी बहनों को कुछ ट्रांसफ़र कर दूँगी पैसे उसके तरफ से, हो गया सेलिब्रेशन। अभी जा रही हूँ मैं अपने लिए बनाने के लिए आलू, वो भी मस्त तीखा तीखा, इसमें धनिया और हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड कर लिया है और घी से बनाऊँगी, ये गाय का घी है। और थोड़ा जीरा डालूँगी, कड़ी पत्ता और ये मसाला और नमक, दैट्स इट, बहुत यम बनता है। और फास्टिंग वाला नमक, वाइट सॉल्ट, इस पर बनाऊँगी और बाद में देखूँगी साबूदाना कब बनाती हूँ, देखते हैं।
भी है, फटाफट पहले बना लेती हूँ मस्ती अम्मी सा। यहाँ पे मैंने साबूदाना भी तुरंत ही बना लिया, मैं अभी बाद के लिए नहीं रखती हूँ। और आलू और साबूदाना हस्बैंड भी वही खा रहे हैं लंच में, सो फिर वाला ठीक है दोनों ही बना देती हूँ, थोड़ा वैरायटी रहेगा तो अच्छा लगेगा। और मैंने 5-6 मिर्ची डाली इतने समय बाद, लेकिन बिल्कुल भी तीखा नहीं हुआ आलू, और आलू जब तक तीखा ना हो नहीं मज़ा नहीं आता। यहाँ पे मैं चावल धुल के डाली हूँ खीर बनाने के लिए, और दूध भी उबलने रख दिया है, थोड़ा क्वांटिटी में बना रही थी क्योंकि आगे आपको पता चलेगा। ये सब क्या है रेंज? क्या है वो आपके कस्टमर? अच्छा ये रेयांश के कस्टमर है सारे ये सब, और ये रेयांश का किचन है, और यहाँ पे फ्रूट स्टॉल वगैरह ऐसे सब लाइन से वेजिटेबल और फ्रूट रखा है। और वो उधर ऐसे सेपरेट क्यों रखे उनको? क्योंकि वो लोग ऐसे ही किए थे। अच्छा ये सब नॉन वेज आइटम, बट डोनट और चॉकलेट क्यों? वो अलग डोनट और नहीं, डोनट और चॉकलेट तो स्वीट होता है ना, बाकी मीट है, एग हॉट डॉग चिकन अलग रखो, चॉकलेट और डोनट अलग रख दो, वो तो स्वीट है ना डेजर्ट। प्याज का ये किचन, थोड़ी देर में हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, इसको एक कोई वहाँ रख दो साइड में। ओके हाँ, यहाँ पे मैं ज़्यादातर चीज़ें नेचुरली वॉइस पर रख रही हूँ, और मैंने ड्रेस वेयर किया था, अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ राखी बांधने के लिए। और मैंने इवनिंग में किया था क्योंकि आई थिंक 1:30 बजे के बाद से मुहूर्त था, और मैंने सोचा था इंडिया में वहाँ सब फ्री हो जाएंगी, मतलब रियांश की सिस्टर और इनकी सिस्टर हस्बैंड की, और उसके बाद फिर हम सेलिब्रेट करेंगे ताकि वो कॉल पे अवेलेबल रहें। और रियांश के लिए ये पुरानी राखी थी, मेरी सिस्टर ने भेजा हुआ था, मेरी सिस्टर की डॉटर ने मीन्स रियांश की सिस्टर लगेगी, मतलब मेरी सिस्टर की डॉटर है वो, तो वो भी मिल गया तो मैंने वो भी रख लिया। इस बार मेरे पास राखी एकदम स्पेसिफिक ही था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा राखी नहीं थी, भगवान जी वाली एक्स्ट्रा थी लेकिन नॉर्मल राखी नहीं थी। सो हस्बैंड को बांधा, फिर मैंने अपने आप को बांधा, और बहुत अच्छा लगा, मतलब ऑनलाइन सेलिब्रेशन आप लोगों को पता ही है कैसा हो सकता है। हमेशा बंधन कर रहे थे, और फिर मैं बेटा, और फिर मेरे बैंक गन्ने हो गए, और फिर मुझे अभी बेटा, और फिर मम्मी मेरे मेरे ऊपर हैंगी रखा, फिर काजू कटती थी, और इसको राखी बोलते हैं, राखी लगाए, राखी बांधा आपने? हाँ, और फिर पापा ने मैं पापा का राखी बांधा, पापा के लिए राखी बांधा आपने, थैंक यू भैया। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रियांश को भी करना है, सो उसने भी थोड़ा बहुत बोला है, और मैंने एज इट इज़ उसे भी रख दिया है, आप लोग सुनिएगा उसने क्या बोला है पीछे। पहले भैया को कर लेंगे फिर आपको करेंगे, पापा बुआ लोग को कॉल करेंगे, पीछे जाओ आराम से बैठो, रुमाल नहीं लाए सर पे रखने के लिए, क्यों ऐसे रखा जाता है? यहाँ पे ले लो शालिनी, मेरे पास है। वो लाइट चालू कर दो। पैसे क्यों चल रहे? क्या राखी नहीं लगी ये क्या? हाँ अभी शांति रखो आप, पहले आपको राखी बांध रही हूँ ना, अभी पहले सर पे हाथ रखो यार। पहले विधि दीदी की राखी है, ऐसे
एक लड्डू दीदी के लिए सिंपल सी। इसमें बीच में फोटो खींच सकता हूँ? हाँ, ये वाला ले लो आपके लिए। मतलब वो दोनों सिस्टर की तरफ से आपको राखी। ओके भैया मैंने बना दी। ये देखो पापा नजदीक आ जाओगे। हाँ दिखा दो राखी। नहीं लग रहा। दो मिनट इधर इधर रुको। बोलो थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। अभी आपको मम्मी स्वीट्स खिलाएगी। आज रेयांश को काजू कतली मैं एक बार खिलाऊंगी फिर आप खुद से। एक बार खुद खिलाएगी मम्मा उसके बाद अपने हाथ से खा लो। ये लो खाओ अभी। पैसा दो मेरे को। अभी मेरा पैर छुओ। चलो पैर छुओ। चलो पैर छुओ। वो रख दो वो रख। खूब बड़ा जमा भैया। अब हटा दो। बुआ बुआ को बुआ को जय करो। उसको हटा दो। बुआ को जय करो। बुआ को बोलो ऐसे इधर से ही बोलो। दिख रहा है इधर। नमस्ते करो सबको। सबको नमस्ते करो। कैसे खड़े रहो इधर आगे के खड़े रहो। अभी पैर छूने का एक्शन करो। ऐसे 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 पैर छुओ। पैर छुओ ऐसे एक्शन करो। बुआ का छोटी बुआ करो 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 करते रहो करते रहो। पांच छह लोग हैं। बड़ी बुआ छोटी बुआ बब्बा दादी दीदी फूफा फूफा पापा पापा का छू लो जाओ। रियाज सबके पैर छू रहे हैं और उसके बाद फिर मैंने इनको तिलक वगैरह लगा दिया आरती कर दिया जितना एज अ वाइफ कर सकती थी उतनी हेल्प कर दी। और ये हमारा ऑनलाइन सेलिब्रेशन है। मेरी ननंद लोग सब वीडियो कॉल पे थी। सो ऑनलाइन सेलिब्रेशन ऐसे ही होता है। बट ठीक है ये तो भाई बहनों का फेस्टिवल है। मैंने बहुत मिस किया बट ठीक है अभी बाहर ही कुछ कर नहीं सकते। सो ऑनलाइन सेलिब्रेशन अभी रियांश हेल्प करेगा पापा की। पापा का गट्टी मारने में हेल्प कर दूँ। आपको बताऊँगा जब तभी आप करना ठीक है। इधर इधर हाथ रखो ऐसे। हाँ बस ऐसे रखे रहो। देखो भैया इधर क्या वहाँ पे दिया है। इधर देखो पानी भी नहीं मिले। काट रखो क्या उधर ऐसे। ये सीरियस वाला सॉन्ग फिर से आ गया। मिन्नू नहीं सुनो। मिन्नू वाला सॉन्ग मत सुनना। एक लड्डू दीदी का है और एक एक विधि दीदी का है। इतना टाइट। चलो अभी स्क्रीनशॉट लो। स्वीट्स खा रही है यही। एक मिनट राखी दिखाओ। लास्ट टाइम वेजिटेबल बिरयानी खिला के सबको पनीर पनीर बताया। रियांश ऐसे हाथ लाओ आगे हाथ लाओ। और विधिया को दिख भी गया था पनीर पता नहीं कहाँ से। हाय गाइस। क्या करूं आप ऐसे आप थोड़ा थोड़ा बैठूं ऐसे नहीं आज वाला ऊपर खड़ी हो। सीधे खड़े रहो सीधे करो फोन। हाँ तो ऊपर खड़ी रहो थोड़ा थोड़ा ठीक है अभी। हाँ लेकिन अभी मैं खुद से ही खुद को टिक्की लगा लूँ एक। हाँ और अरे माइक मुझे अच्छा स्माइल करूँ। हाँ। ये देखो स्माइल कर रही हूँ ऐसे। कैसे और माँ भी दो। पहले आप सीधा पकड़ो फोन। फोन ऐसे सीधा पकड़ो टेढ़ा हो रहा है ना थोड़ा सीधा रखो ठीक है। बस कर दो अभी उससे अभी दिख रहा है। हाँ। ये देखो मेरी राखी थोड़ा नज़दीक आओ। राखी दिख रही है। हाँ। मैं दिख रही हूँ। हाँ। थैंक यू
ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, चीज ऊपर से। भगवान जी को भी मैंने राखी बांध दी है। और इसे भगवान जी को ऊपर चढ़ा भी दिया है मैंने। यहाँ पे मैंने खीर और पूड़ी बनाया था और आफ्टरनून मैंने साबूदाना और आलू बनाया था जो आपको मैंने दिखाया पहले। सो, आलू की भाजी भी थी। सो, आज मैंने खीर बनाया था और मेरी फ्रेंड का टिफ़िन था, वो मैंने पिछले थोड़े पहले ब्लॉग्स में शेयर किया हुआ एक ब्लॉग में कि मेरी फ्रेंड ने मुझे राइस दिया हुआ था और भाजी, तो मुझे उन्हें रिटर्न करना था। वही सोच रही थी क्या बनाऊँ। सो, मैंने आज खीर बनाया है तो मैंने सोचा आज ही दे के आ जाती हूँ और कटोरी में पूरी दे दूँगी। सो, मैंने खीर और पूरी पैक किया और उनके घर में जाके उनको दे के आई। और खीर और पूरी का कॉम्बिनेशन आप लोग बताना आप लोगों को पसंद है कि नहीं। आज मैंने बहुत ही एकदम आराम से, मेरी खीर बनने में मुझे लगता है 2-3 घंटे लग गए। एकदम स्लो में मैंने दूध को बहुत पकाया और थोड़ा मैंने लिक्विड रखा था, बट रखने के बाद भी थोड़ा जब रख दो तो वो थोड़ा ये हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो वैसे ही हो गया था एकदम रबड़ी टाइप में। बट ठीक है, अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मैंने आज खीर बनाया है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। मुझे तो याद भी नहीं मैंने लास्ट कब बनाया था। सेवई तो मैं बनाती रहती हूँ क्योंकि वो ईजी पड़ता है। ये देखिए कितना ठीक है मेरा खीर, बहुत ज़्यादा ठीक है। और रखने के बाद तो अभी और ज़्यादा हो गया था। मेरा तो फास्ट था तो मैंने तो नेक्स्ट डे टेस्ट किया है, बट हस्बैंड खाया, उन्होंने पता है अच्छा बना था। ये देखिए बहुत ज़्यादा ठीक था। और ठीक खीर भी अच्छी लगती है, ऐसे रबड़ी जैसे कभी बनाओ ना तो अच्छा लगता है। आप लोग भी बना सकते हो, बट वही है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा। आपके हाथ में क्या है? अभी पैक करके लेके जा रही हूँ। अच्छा, मैं ये बैग भी उन्हीं का है और टिफिन तो है ही है, बैग भी मैंने एज इट इज संभाल के रख दिया था। और अभी जा रही हूँ उनको देने के लिए, रियांश को साथ में लेके जा रही। और अभी जा रही हूँ घर। अच्छा दिन था। और ये देखो मेरी राखी, ये राखी मेरी फ्रेंड है जो यहाँ नियर बाय रहती है, वो अभी गई थी इंडिया तो वो आ रही थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ को मैंने बताया तो फिर उसने अमेज़ोन से बुक किया और फिर उनके घर पर, और वो लेके आए, वो कल रात को ही आए। सो मैंने उनके लिए डिनर प्रिपेयर किया था क्योंकि वो लेट नाइट आ रहे थे और फिर बाहर से आने के बाद दाल राइस वगैरह मिले तो अच्छा लगता है। सो मैंने फिर उनको दाल राइस, भाजी रोटी ऐसे बना के दिया था। और तभी उनको बोला था राखी ऊपर ही रखना और मुझे दे देना, सो उन्होंने मुझे वो राखी भी दे दिया। और आज हमने सेलिब्रेट भी कर लिया नियर बाय, अगर एक दूसरे को पहचान नियर मतलब पहचान वाले रहें तो फिर अच्छा रहता है। वो तो मना कर रही थी, नहीं नहीं कई बार बोली, बोली नहीं ठीक है ना, इतना कुछ एफर्ट नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही तो प्रिपरेशन है। सो ये देख रहे हो इसको, काय चाल का है तुमचा, किसी को भी नहीं दबाते हैं प्रभु। मैं 1-4 है ओनली, यहाँ पे हम दो सिस्टर और मेरा ब्रदर था, बाकी दो सिस्टर बिजी थे तो उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया और ये ऑनलाइन सेलिब्रेशन हो गया। जो सिस्टर्स अपने भाई से दूर हैं और जिनको लगाव है अपने फैमिली से, भाई से, मम्मी पापा से, वही मेरी फीलिंग समझ सकती हैं कि ये दूर का सेलिब्रेशन कैसा होता है, कितना पेनफुल होता है, अंदर कितनी उथल फुथल होती है जब भी हम कुछ ऐसे फेस्टिवल में दूर हों तो। बट ठीक है, मैं अपनी फीलिंग व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो दूर होंगी सिस्टर्स वो मेरी फीलिंग समझ सकती होंगी। ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ और इस ब्लॉग को ढेर सारा लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए आप लोगों का रक्षाबंधन कैसे आपने मनाया। बस मैं तो बहुत दूर थी,
मेरे भाई से, बट ऑनलाइन सेलिब्रेशन कर लिया। और बस यही छोटा सा ब्लॉग था, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करिएगा आपने रक्षाबंधन कैसे मनाया है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, अगेन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस माता रानी आप भाई बहनों पर ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखे, हमारा जो भाई बहन का प्यार है, मेरा और मेरे भाई का, वो भी बना रहे और स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि दूर है ना, तो और स्ट्रॉन्ग हो, हम जल्दी जल्दी मिलें और होप्स हो रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट करें। इस बार तो शायद मैं भाई दूज सेलिब्रेट कर पाऊँ, लेट्स सी, देखो क्या होता है। चलिए बाय बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय गाइज़।